अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक्सरसाइज 14 क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस करना। और इसमें एक एडिशनल न्यू चीज आएगी, वो है हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन। और सिंथेटिक डिवीजन मैं यहाँ पे कराऊंगा, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर स्टिल अगर आपको कोई कंफ्यूजन हुई तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में नीचे, तो वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा एक सेपरेट वीडियो में, ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं। इसमें दो फॉर्मूलाज मैं लगाऊंगा, ठीक है। वो कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और इस इक्वेशन को कह देता हूँ, जो मेन क्वेश्चन है उसको मैं कहता हूँ इक्वेशन ए। फिर जो दोनों फॉर्मूलाज लिखने के बाद इकट्ठा ही मैं दोनों फॉर्मूलाज इसमें पुट करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉस टू एक्स किस चीज के इक्वल होता है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन माइनस कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाई टू। तो इस फॉर्मूले से मैं कॉस टू एक्स की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करूंगा। कैसे? टू इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर के साथ इक्वल टू वन माइनस कॉस टू ऑफ एक्स। ये आपके पास कॉस टू एक्स, इधर माइनस है तो माइनस के साइन के साथ पड़ा हुआ है, लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो कॉस टू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास वन, और ये पॉजिटिव के साथ है उधर जाके नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। तो मैंने जस्ट क्या किया, इनको आपस में इनकी साइड्स को एक्सचेंज किया और मीन्स उसे हमारे पास अब यहां से आ गया कि cos 2x अगर कहीं पे पड़ा हुआ है तो उसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ऑफ x। तो इट मींस एक तो हमारे पास सॉल्व हो गया, इसकी जगह हम लोग ये पुट कर सकते हैं 1 माइनस 2 cos sin स्क्वायर x। तो अब नेक्स्ट चलते हैं इसकी तरफ, वो है हमारे पास sin 3x। sin 3x हमारे पास क्या है, ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी का फॉर्मूला है। वो हमारे पास किसकी इक्वल होता है, 3 sin ऑफ x माइनस 4 sin क्यूब ऑफ एक्स। तो ये भी पुट कर देंगे। अब यहाँ पे पुटिंग करो दोनों फॉर्मूलाज इक्वेशन ए में और फिर देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं बनेगी, इसी वजह से तो हमें हेल्प लेनी होगी सिंथेटिक डिवीजन की। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस टू एक्स की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर ऑफ एक्स इक्वल टू साइन क्यूब साइन 3 ऑफ एक्स। साइन 3 ऑफ एक्स की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 साइन ऑफ एक्स माइनस 4 साइन क्यूब ऑफ एक्स। इसको अब अरेंज करते हैं, ठीक है। जो हाईएस्ट पावर होगी हमारे पास क्या है, साइन क्यूब है, उसको पहले लिखेंगे, देन स्क्वायर एंड देन साइन ऑफ एक्स सिंपल जो होगा पावर वन के साथ एंड देन कांस्टेंट। सो यहाँ पे आपके पास नेगेटिव साइन के साथ है, लेफ्ट पे आएगा तो पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगा। तो 4 साइन क्यूब ऑफ एक्स। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये तो क्यूब वाला आगे, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं स्क्वायर वाला। स्क्वायर ऑलरेडी इधर पड़ा, स्क्वायर वाली टर्म जो है ऑलरेडी इधर पड़ी है, तो आएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। नेक्स्ट चलते हैं अब साइन ऑफ एक्स की तरफ, मीन्स पावर जिसकी वन होती है, यहाँ पॉजिटिव साइन के साथ है, लेफ्ट पे लेके आएंगे तो यहाँ पे माइनस साइन के साथ लिख देंगे इसको, तो यह रहेगा आपके पास माइनस 3 साइन ऑफ एक्स। और कॉन्स्टेंट ऑलरेडी इधर पड़ा हुआ है प्लस साइन के साथ, वो है 1 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास कौन सी होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल हमारे पास 2 होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल हमारे पास क्या है, 3 है, जिसे हम क्यूब कहते हैं। सो इट मीन्स हमें अब क्या करना होगा, हेल्प लेनी होगी सिंथेटिक डिवीजन की। लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे सपोजिशन कर लेंगे, लेट यहाँ पे साइन ऑफ एक्स को मैं लेट कर दूंगा किसके इक्वल, वाई के इक्वल लेट कर लें, एक्स तो यूज नहीं कर सकते, एक्स क्योंकि ऑलरेडी यूज हुआ है। इट मींस यहाँ से ये जो सपोजिशन के बाद यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन में चेंज आएगा वो क्या रहेगा, 4 वाई का क्यूब माइनस 2 वाई का स्क्वायर माइनस 3 वाई प्लस 1 इक्वल टू आएगा 0। सो अब जस्ट हम लोगों ने क्या करना है, ये जो सपोजिशन किया है आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है, बिकॉज रिवर्स करके हमने दोबारा से पुट करनी है फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द रेफरेंस एंगल। सो हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे मैं टॉप पे लिख देता हूँ, लेट साइन ऑफ एक्स की जगह हमने लेट किया है किस चीज को, वाई की, ठीक है। तो अब ये जो इक्वेशन ये भी मैं ऊपर लिख देता हूँ, 4 वाई का क्यूब माइनस 2 वाई का स्क्वायर माइनस 3 वाई प्लस 1 इक्वल्स टू आ जाएगा 0। सो अब सिंथेटिक डिवीजन को यूज करते हुए इसको आगे सॉल्व करते हैं। सिंथेटिक डिवीजन क्या है, स्टार्ट करेंगे रूट में, सिलेक्ट करूंगा एज y इज इक्वल टू 1। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो 1 है इस इक्वेशन का रूट है, टेस्टिंग के लिए हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और चेक करते हैं कि इसका रूट है कि नहीं। सो एज y इक्वल टू 1 यहाँ पे लिखूंगा इज द रूट ऑफ इक्वेशन ए, जो कि आपके उस गिवन इक्वेशन थी। सो यूजिंग या लिखोगे सो विद द हेल्प ऑफ सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन तो आपके पास क्या आ जाएगा, सॉरी, विद द हेल्प ऑफ सिंथेटिक डिवीजन we have
क्या अब स्टार्ट करते हैं सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस। तो सिंथेटिक डिवीजन हमारे पास कैसे होगी, आपकी ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ठीक है, इसमें आपने देखने हैं इसके कॉफिशियंट्स क्या है, इन सारे कॉफिशियंट्स को आपने एज इट इज लिख देना है, लेकिन साइंस का ध्यान रखना है, साइन अगर नेगेटिव है तो साथ नेगेटिव के साइन के साथ आपने लिखना है। ये तो 4 पॉजिटिव है एज इट इज आ जाएगा, यह रहेगा -2 और इनके बीच में जब लिख रहे हो तो इनके बीच में स्पेसिंग रखनी है आपने ठीक है, यह रहेगा -3 और लास्ट में रहेगा 1। सो नेक्स्ट आगे चलते हैं, और मैंने यहाँ पे क्या लेट किया है, मीसो से एज्यूम किया हुआ है कि हमारे पास क्या है y = 1, ये आपके पास गिवन इक्वेशन का रूट है। तो 1 को टेस्टिंग के तौर पे हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, 4 को जो फर्स्ट डिजिट होता है उसको आपने एज इट इज पहले पहले उतार लेना ठीक है। अब आपने क्या करना है, 1 को मल्टीप्लाई करना है इस फर्स्ट डिजिट के साथ, जो रिजल्ट आएगा वो लिख देना है यहाँ पे इसके नीचे, देन इन दोनों को आपने क्या कर देना है एड, 4 को एड मीन 4 और -2 को एड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास 2, देन आपने अगेन इस 1 को मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ 2 के साथ, जो भी रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे लिख देना है, तो 2 1s आर या देगा 2, अब इनको 10 ऐड करो दोबारा से तो या देगा -1, देन आपने इस 1 को मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ, जो रिजल्ट आएगा नेक्स्ट अगेन लिख देना है तो या देगा -1 मल्टीप्लाई 1 तो क्या रहेगा आपके पास -1। अब आपने क्या करना है इनको जो लास्ट है इनको जस्ट ऐड करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास, अगर 0 आ जाता है जैसे यहाँ पे 0 आ गया है तो इट मींस हम कहेंगे जो हम लोगों ने रूट सिलेक्ट किया था y = 1 तो वो हमारे पास क्या है, वो गिवन इक्वेशन का रूट है। सो ये हम कहेंगे ये हमारे पास आ गया रिमाइंडर जो कि 0 आ गया, तो इट मींस y = 1 इज द रूट ऑफ इक्वेशन a। सो ये थी हमारी सिंथेटिक डिवीजन, अगर स्टिल कोई कंफ्यूजन हुई तो मुझे बता देना ठीक है, मैं सेपरेटली फिर इसको कवर करके सेपरेटली इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर दूंगा। अब यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन करने का फायदा क्या हुआ वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने फोकस करना है इन कोएफिशिएंट्स के ऊपर, यहीं से हम लोग लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, फर्स्ट जो इसका कोएफिशिएंट होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को, अभी यहाँ पे वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं वाई है, तो आप लोगों ने एक्स नहीं लिखना यहाँ पे वाई यूज करना ठीक है, वेरिएबल्स का ध्यान रखना 4y2। नेक्स्ट आपके पास आगे +2 तो यह देगा आपके पास जो नेक्स्ट आपके वेरिएबल होता है वो y होगा, मीन्स उससे 1 पावर वाला, उसके साथ ये उसका कोफिशियंट होगा 2 और लास्ट में आपके पास जो चीज होगी वो होगी कांस्टेंट इक्वल्स टू आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी के लिए हम लोग क्या कर रहे थे कि सिंथेटिक डिवीजन की हमने हेल्प ली है ताकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इसको लेके आए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आगे फर्दर सॉल्व करें विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला या फैक्टराइजेशन, जिससे आप सॉल्व करके फर्दर इसके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन याद रखना कि ये भी हमारे पास क्या है, रूट है इस इक्वेशन का, गिवन इक्वेशन का, तो उसके भी हमारे सॉल्यूशंस निकलेंगे। सो नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं, अभी जस्ट हमें इस इक्वेशन की जरूरत है और इस एक रूट की जरूरत है, और ये चीज नहीं भूलनी कि आपके पास ये जो सपोज किया था हम लोगों ने लेट किया था वो वाई हम किसकी जगह किया था उसको आपने एरेस नहीं करना ठीक है। सो नेक्स्ट आगे चलते हैं, अभी इसकी जरूरत नहीं है, वाई = 1 एक हमारे पास ये रूट है, मैं दोबारा लिख देता हूं। सो एक तो हमारे पास क्या आया था रूट y = 1, उसको मैं यहां पे साइड पे लिख लेता हूं, उसका रूट सॉल्यूशन साइड पे निकाल लेंगे ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको यहां पे लिख के इसके यहां से हम लोग सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, तुम्हारे पास एबीसी पहले सेपरेट कर लो, क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको कर लो, ए आ जाएगा 4, बी आ जाएगा आपके पास 2, सी आ जाएगा आपके पास -1। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा, y = -b - b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a, जस्ट abc की वैल्यू पुट कर दो, b आपके पास क्या है 2 है प्लस माइनस, b की जगह आ जाएगा ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर -4, a आपके पास कितना है 4 और c आपके पास कितना आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 2, a की जगह क्या आ जाएगा आपके पास 4, फर्दर इसको सॉल्व करते रहो, ये आ जाएगा -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, 4 4 आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 4 2 8। फर्दर इसको सॉल्व करते जाओ, सिंपलीफाई करते जाओ, आसान सी सिंपलीफिकेशन है, 16 को 4 से किया ऐड तो आपके पास आ जाएगा 20, नीचे आ जाएगा आपके पास 8। अब इस अंडर रूट 20 को हम कैसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, एलसीएम ले लो, 20 का 2 से अगर कट करोगे आ जाएगा 10, फिर 2 से करोगे आ जाएगा 5, तो इट मींस ये 2 आपके पास 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, मींस 2 का स्क्वायर है तो ये आ जाएगा अंडर रूट से बाहर, यह आ जाएगा -2 प्लस माइनस, तो इस अंडर रूट 20 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 आ जाएगा बाय और 5 रह जाएगा अंडर रूट के अंदर और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 8। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 2 ले लो कॉमन, अंदर आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 और इसको 2 को कट कर दोगे, 2 की टेबल पे कट होंगे, नीचे आ जाएगा 4, इट मींस से अब हमारे पास इसको हम स्प्लिट करके दो केसेस में लिख सकते हैं।
एक दफा इसको पॉजिटिव साइन के साथ लिख दो, एक दफा नेगेटिव साइन के साथ लिख दो, तो जस्ट मैं इसको स्प्रेड कर रहा हूं यहाँ पे, तो आपके पास एक आ जाएगा वाई इज इक्वल टू माइनस वन प्लस अंडर रूट फाइव डिवाइडेड बाय आएगा फोर, और आपके पास दूसरा आ जाएगा वाई इज इक्वल टू माइनस वन माइनस अंडर रूट फाइव डिवाइडेड बाय फोर। यहां से अब हम लोग इसके रिजल्ट निकाल लेते हैं, रेफरेंस एंगल निकाल लेते हैं, जितना भी हम लोग पहले काम कर चुके हैं वही अब आपका काम यहां से स्टार्ट हो गया। सो वन टू एंड थ्री केसेस आपके पास, तो पहला इसको सॉल्व कर लेते हैं। y, y हमने किसकी जगह लेट किया था, साइन x की जगह किया था, तो y की जगह साइन x आ जाएगा माइनस वन प्लस अंडर रूट फाइव डिवाइडेड बाई फोर। सबसे पहला काम आपने ये चेक करना है x लाई कर रहा है किस क्वाड्रेंट में, तो x लाई इन, अब इसको चेक कैसे करेंगे, कैलकुलेटर पे इसको कैलकुलेट करके वैल्यू को देखो कि आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, बिकॉज ओवरऑल वैल्यू का हमने साइन देखना है, यहाँ पे इस साइन को नहीं देखना है, ठीक है, यह आ जाएगा माइनस वन प्लस अंडर रूट फाइव डिवाइड बाई फोर, डिवाइड फोर करो या ना करो आपके पास रिजल्ट हमारे पास क्या, ऊपर को प्लस माइनस करोगे वहां से आपके पास साइन मिल जाएगा, तो मीन पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है इस ऊपर वाली वैल्यू को, तो इस पूरी फ्रैक्शन की अगर हम साइन को देखेंगे तो ओवरऑल साइन हमारे पास यहाँ पे इसका क्या आएगा, पॉजिटिव। तो अब चेक करना है कि साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव अपने क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड में और फर्स्ट में, तो इट मीन यहाँ पे लिखूंगा एक्स जो कि एंगल है इसका लाई इन किस किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। So, ये तो हमारा क्लियर हो गया कि जो फर्स्ट टास्क होता है कि एंगल को हमें चेक करना होता है किस किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब नेक्स्ट जो चीज है कि अब हमने देखना है कि आपके पास रेफरेंस एंगल की वैल्यू क्या आएगी, तो x को यही रहने दो, साइन राइट पे जाएगा तो ये आएगा साइन इनवर्स, आपके पास जो वैल्यू है माइनस वन प्लस अंडर रूट फाइव डिवाइडेड बाय आएगा फोर, तो इसका हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है, माइनस वन प्लस अंडर रूट फाइव डिवाइडेड बाय फोर, शिफ्ट बाकी साइन इनवर्स लोगे आ जाएगा 18, 18 को हम लिख सकते हैं, 18 डिग्री को लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये आपके पास कितना आ गया, ये रिजल्ट आएगा इसको सॉल्व करने के बाद, इनवर्स लेने के बाद आ जाएगा 18 डिग्री, इसको रेडियंस में लिखेंगे ताकि हम सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लोग जो एंगल्स को लेते हैं रेडियंस में लेते हैं, तो इसीलिए मैं इसको रेडियन में लिख रहा हूं, तो आपको रेफरेंस एंगल आ जाएगा पाई बाय 10, तो इसको हम लिख सकते हैं ये आ जाएगा हमारे पास रेफरेंस एंगल, रेफरेंस एंगल भी आ गया, क्वाड्रेंट्स का भी पता है, तो इट मींस इसके हम लोग यहां से सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। सो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, एक्स जो आपके पास एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और लाई कर रहा है आपके पास किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट की मदद से हम लोग एक सॉल्यूशन इसका निकाल लेते हैं, ये सॉल्यूशन जो मैं अभी निकालूंगा कंफर्म्ड नहीं है, जो भी सॉल्यूशन निकलेंगे इनको हम लोग वन बाय वन करके इक्वेशन ए में पुट करेंगे जो मेन क्वेश्चन है, और चेक करेंगे कि वो जो आपका सॉल्यूशन है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, मीन दोनों साइड इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही। सो आगे चलते हैं, एक्स इक्वल्स टू जीरो मीन्स उसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो जीरो में कोई चीज ऐड करोगे तो आपके पास जब एक्स जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो जीरो प्लस आपके पास जो भी है क्या है वो रेफरेंस एंगल की वैल्यू पाई बाय 10, तो वो आपके पास एक सॉल्यूशन दे देगा, वो आगे आपके पास पाई बाय 10। नेक्स्ट चलते हैं आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट, अगर एक्स जो एंगल है वो लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में रहे मीन्स अगर एक्स लाई करेगा जो आपके पास गिवन एंगल है, तो मीन्स उसे पाई में से माइनस करोगे क्या चीज, रेफरेंस एंगल, तो यह देगा पाई बाय 10। तो उसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लो आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 10 पाई माइनस पाई, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 9 पाई बाय 10, तो आपके पास ये आ गया एक और सॉल्यूशन। वंस अगेन ये कंफर्म्ड सॉल्यूशंस नहीं है, वन बाय वन करके लास्ट में इसको चेक करेंगे। अब आते हैं इस केस की तरफ, वाई की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, क्या हमने लेट किया था y, मतलब किसकी जगह लेट किया था, वो साइन x की जगह लेट किया था, तो माइनस वन माइनस अंडर रूट फाइव डिवाइडेड बाई फोर, यहां से हमें क्लियरली पता चल रहा है, इसको मैं जरा क्लोज करके लिखता हूं बिकॉज आगे मुझे स्पेस चाहिए, माइनस वन माइनस अंडर रूट फाइव डिवाइडेड बाई फोर, यहां से हम ऊपर जो है इनके मीसो से इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो एड रहे हैं माइनस माइनस प्लस होते हैं, लेकिन हमें जस्ट साइन से मतलब है कि आप जब इनको एड करोगे दोनों के साथ नेगेटिव है, मीन ओवरऑल वैल्यू के साथ क्या आएगा, नेगेटिव साइन, तो साइन आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होगा, वो होगा थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहां पे लिखेंगे एक्स जो एंगल है वो लाई किस में कर रहा है, लाई इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सो इट मींस टू से यहां से हमारा जो फर्स्ट टास्क है फिनिश है, अब सेकंड की तरफ चलते हैं टास्क की तरफ, वो हमारे पास क्या है, रेफरेंस एंगल की वैल्यू निकालते हैं, तो साइन आपके पास राइट हैंड साइड पे जाएगा तो साइन इनवर्स आ जाएगा माइनस वन माइनस अंडर रूट फाइव डिवाइडेड बाय फोर। So, अब ये देखते हैं कि हमारे पास यहां से रेफरेंस एंगल की वैल्यू क्या आती है, सो ये आ जाएगा माइनस वन माइनस अंडर रूट फाइव डिवाइडेड बाय आ जाएगा फोर, शिफ्ट दबा के साइन प्रेस करोगे साइन इनवर्स आ जाएगा, आपके पास जो एंगल आ रहा है वो आपके पास कितना आ रहा है 54 डिग्री, माइनस 54 डिग्री,
सो इसको हम जरा सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा वन एटी मल्टीप्लाई बाय तो यहां से आपके पास रेफरेंस एंगल की जो वैल्यू आ जाएगी ये आ रही थी हमारे पास कितनी 54 डिग्री तो उसको जब हम लोग रेडियंस में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3 पाई बाय 10 तो इसको आप रेडियंस में इस तरह लिख सकते हो ठीक है। सो नेक्स्ट अब चलते हैं रेफरेंस एंगल भी आ गया क्वाड्रेंट्स का भी हमें पता है कि जो आपके पास गिवन एंगल है एक्स वो किस किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो किस किस क्वाड्रेंट में है थर्ड में है और क्वाड्रेंट है फोर्थ में। सो जब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है जब एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो हमारे पास क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो इट मींस पाई में कुछ चीज ऐड करोगे तो पाई में क्या ऐड करोगे रेफरेंस एंगल की वैल्यू वो आ जाएगा 3 पाई बाय 10 तो उसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो नीचे आ जाएगा 10 पाई प्लस 3 पाई तो यहां से इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 13 पाई बाय 10 तो ये हमारे पास एक और वैल्यू आ गई। नेक्स्ट आगे चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ तो फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स इक्वल्स टू अगर आपके पास x फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है इट मींस 2 पाई में से हम क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास जो आ रही है रेफरेंस एंगल की वैल्यू जस्ट सिंप्लीफाई कर दो 10 2 से होगा 20 पाई माइनस 3 पाई तो यहां से रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 17 पाई बाय 10। एक और हमारे पास रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं अब जो लास्ट केस हमारे पास y इज इक्वल टू 1 वाला तो y की मींस y की जगह हम क्या लिख सकते हैं साइन ऑफ x इक्वल टू 1 साइन आपके पास कुछ नहीं है तो पॉजिटिव है मींस उसे साइन आप देखेंगे साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होगा वो आपका सेकंड और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो यहां पे हम लिख देंगे x x lie in first and second quadrant। सो आगे स्टार्ट करते हैं यहां से रेफरेंस एंगल की वैल्यू निकालते हैं तो x इक्वल टू क्या रहेगा साइन इनवर्स ऑफ 1 और आपके पास यहां पे देखेंगे हम लोग कि साइन 1 जो है टेबल एंगल वैल्यू है ठीक है टेबल वैल्यू है तो साइन आपको किस एंगल पे ये टेबल वैल्यू देता है वो आ जाएगा हमारे पास किस पे 90 मींस टू से पाई बाय 2 तो 90 डिग्री में लिख देता हूं और आगे इसको रेडियंस में लिख देता हूं वो आ जाएगा पाई बाय 2। सो रेफरेंस एंगल की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है और हमें ये भी पता है कि एक्स जो एंगल है वो किस किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो फर्स्ट कहता है कि वो लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंडली वो कह रहा है वो लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में तो इट मींस टू से पहले हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला केस देख लेते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जीरो में ऐड करोगे क्या रेफरेंस एंगल की वैल्यू वो पाई बाय 2 है तो यहां से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा पाई बाय 2 और यहां से अब अगर आपके पास मीसो से सेकंड जो क्वाड्रेंट में मीसो से लाई कर रहा था आपके पास जो गिवन एंगल है वो लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है इट मींस पाई में पाई से क्या करोगे सबट्रैक्ट करोगे क्या चीज आपके पास रेफरेंस एंगल की वैल्यू वो आ जाएगी पाई बाय 2 तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 पाई माइनस पाई तो यहां से रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास पाई बाय 2 ये सेम ही रिजल्ट आ रहा है तो इट मींस इसको आपने रिपीट करके नहीं लिखना अगर आपके पास दो सेम सॉल्यूशन आ रहे हैं उसको अपने वन सॉल्यूशन ही ट्रीट करना है तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। सो ये आ जाएगा हमारे पास पाई बाय 10 प्लस 2n पाई 2n पाई ठीक है बिकॉज 2 पाई का पीरियड है n आपके पास इंटीजर आ जाएगा ठीक है यूनियन। नेक्स्ट आगे चलते हैं 9 पाई बाय 10 प्लस 2n पाई बिकॉज हम लोगों ने जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से सारों की वैल्यू निकाली थी वो था साइन और साइन जो है आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका पीरियड क्या होता है 2 पाई n आपके पास क्या है इंटीजर यूनियन। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्या आ जाएगा 13 पाई बाय 10 प्लस 2n पाई यूनियन आगे चलते हैं 17 पाई बाय 10 प्लस 2n पाई नेक्स्ट आगे चलते जो लास्ट हमारा रह जाएगा यूनियन पाई बाय 2 प्लस 2n पाई तो ये हमारे पास लास्ट सॉल्यूशन था तो ये हमारे 1 2 3 4 5 सॉल्यूशंस थे। सो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और स्पेशली क्वेश्चन नंबर 10 की ठीक है जो भी प्रॉब्लम आ रही है फिर नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना इंशाल्लाह ताला जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी मैं एज सून एज पॉसिबल जो है वो प्रॉब्लम्स आपकी रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा और आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा लेकिन अगर स्टिल कहीं कंफ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना जरूर इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपना बहुत सारा ख्याल रखो अल्लाह हाफिज़।